कानपुर पुलिस ने लूट करने वाले दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, साथ ही उनके पास से मोबाइल और बिना नंबर की गाड़ी भी जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। विगत दिनों फरियादी रागिनी पिता दिनेश निवासी संगम नगर थाना एरोडम इंदौर ने रिपोर्ट लिखाई थी कि एवी रोड विचोली फाटा से होते हुए धामनोद जाते समय दो अज्ञात व्यक्ति एक बिना नंबर की गाड़ी चलाते हुए पीतमपुर की ओर से आए और मेरे हाथ में झपट्टा मारकर मोबाइल लूट कर ले गए। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने मानपुर TI के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति किसी मोबाइल को लेकर दुकानों पर पहुंचे थे। सूचना की तस्दीक पर आरोपी राहुल सोलंकी पिता रामचंद्र निवासी ग्राम आकाशसुधा थाना देपालपुर जिला इंदौर और सचिन पिता जयराम सुनेन निवासी ग्राम क्राड़िया थाना मानपुर को गिरफ्तार किया। उक्त आरोपियों के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल और घटना में प्रयुक्त वाहन बिना नंबर के काले रंग की मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपियों से इंदौर और आसपास की जिलों में की गई अन्य वारदातें भी खुलने की संभावना है। 4 जुलाई को एक महिला है रागिनी पिता दिनेश बावनिया 24 साल निवासी संगम नगर, ये इंदौर से जो है धामनोद के लिए चली थी। बिचोली फाटे पे इसको दो अज्ञात बदमाश जिन्होंने मास्क वगैरह ये सब बांध रखा था, वो उन्होंने जो है रास्ते में उसको रोक करके उसका मोबाइल और पर्स छीनने की कोशिश करी। मोबाइल छीन गया, पर्स नहीं आ रहा और वो छीन करके भाग गए। उस लड़की की रिपोर्ट पे एक अपने मानपुर में लूट का मुकदमा कायम हुआ था। जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी जो है एक्सप्रो मोटरसाइकिल थी, तो बिना नंबर की थी। उनका दोनों का जो है तलाश उनके हुलिये के हिसाब से और मोटरसाइकिल के हिसाब से वहाँ की पुलिस करती रही मानपुर की, और जगह जगह के जो टोल नाके के CCTV कैमरे हैं उनको जाकर के सभी को खंगा लग गया। इसी दौरान चूंकि वारदात में ऐसा लगता था कि आसपास के कहीं सागौर पीतमपुर साइड के चौके होना चाहिए, तो अपने आदमी लगे हुए थे। उनमें से किसी ने फिर ये मुखबिर ने सूचना दी कि पासवर्ड चेंज कराने के लिए एक लड़का जो है ये सागौर क्षेत्र में गया, तो वहाँ से ओपन हुआ। उसके बाद में इन दोनों को पकड़ा गया, तो उसमें एक राहुल सोलंकी पिता रामचंद्र सोलंकी जो कि ग्राम आकाशसुधा थाना देपालपुर का है, और उसी का साला सचिन पिता जयराम सुनेत ग्राम कराड़िया थाना मानपुर का, ये दोनों ट्रेस हुए। इन दोनों से मोबाइल जो है जो कि विवो कंपनी का Y11 वाला मोबाइल था और बिना नंबर की इनकी जो मोटरसाइकिल है एक्सप्रो मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है। अब चूंकि इस टाइप की वारदातें किशनगंज में भी हुई है और भी आसपास हुई हैं, तो इनसे अभी पुलिस रिमांड लेकर के और पूछताछ की।